इतनी बड़ी बात हुई और तुमने बताया तक नहीं आया। मानता हूं कि मैं तुम्हारा जीजा हूं, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा मेरी छोटी बहन समझा है। मैं आप दोनों को तुम बताना चाहती थी फिर, लेकिन वहां हालात इतने हालात बता नहीं सकते। हया ऐसे वक्त पर अपने ही काम आते हैं। अगर तुम अपनों से अपने दिल की बात नहीं कहोगी तो इन रिश्तों का क्या फायदा? आहिल, इट्स ओके। हया की कोई मजबूरी रही होगी, वो पहले नहीं बता पाई। ये कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सी बड़ी बात सर? सनम, तुम्हें बड़ी अम्मी हया की छोटी से छोटी बात बड़ी लगती थी, जिनके लिए पूरी पूरी रात जगकर तुम दुआएं मांगती थी, तुम ये बात कर रही हो? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। पप्पा ये दो नमूने क्या करूं इनका? क्या भूचाल की तरह आते हैं, कमरे का नक्शा बदल देते हैं, और ये भुक्कड़ गई है। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। पान और सस्ते हो गए हैं क्या, या कोई लॉटरी निकल रही है तुम्हारी? लॉटरी तो लगने वाली है, बस तुम्हारी एक और चाल और हमारा काम बन जाएगा, कामयाब हो जाएंगे हम। मतलब? ये देखो, ये जायदाद के नए कागजात हैं, बस अब तुम्हें इन पर आहिल के दस्तखत लेने। एक बार तुम्हारे और आहिल के दस्तखत हो जाएंगे, उसके बाद सब कुछ मेरा हो जाएगा। अच्छा, अरे वाह, हलवा है क्या? आहिल ना तो अनपढ़ है, ना अपनी माँ की तरह अंधा है। मेरे एक बार कहने पे अच्छे बच्चे की तरह साइन कर देगा क्या? कमाल है। अब एक ठग को मुझे ठगी सिखानी पड़ेगी। सुनहरी बनकर सोचोगी तो बेशक मुश्किल है, लेकिन जरा सनम को उतरने दो अपने अंदर। सनम बनकर सोचो कि आहिल उससे कितनी मोहब्बत करता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और वैसे भी मैंने तुम्हें ऐसे ही थोड़ी इस काम के लिए रखा है। मुझे यकीन है कि तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे। देखते, एक बात का और ख्याल रखना कि ये काम हया और राहत के निकाह से पहले होना चाहिए। दिमाग में बात छोड़ के आई हो क्या? 3 दिन से भी कम टाइम में मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? मजाक समझ के रखा है? इसमें मजाक जैसी क्या बात है? अरे तुम्हें हर हाल में आहिल को मनाना पड़ेगा। आहिल और सनम के निकाह के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने में 4 दिन बाकी है, और उनका रिश्ता टूटने से पहले अगर इन कागजात पर दस्तखत नहीं हुए तो ये सारी जायदाद एक ट्रस्ट में चली जाएगी। तुम्हारे पास ये काम करने के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त है। अगर इन 3 दिनों में तुम ये काम नहीं कर पाए तो मेरे साथ साथ तुम्हारे भी पैसे जाएंगे। सोच लो। सुनहरी, जिंदगी बार बार तो किसी को मौके देती नहीं, तो मौका मिला है
फायदा उठा लेना चाहिए। फोन क्या चल रहा है? बहरे हो गए हो क्या? तुमसे पूछ रहा हूं क्या चल क्या रहा है? सफाई करना है। वो सुबह हम वो सब गिरा के गए थे, खाना पीना वो क्या था, वो कमरा वो सब वो हो गया था ना गंदा। हाँ, गंदा हो गया था ना कमरा। आप कर रहे थे इस छोटे से रुमाल से क्या होगा? जितनी गंदगी तुम लोग मचाते हो तुम्हें पता होना चाहिए ना अपने टैलेंट का। ये रुमाल अंदर रखो, नाक पोंछने के काम आएगा। अंदर रखो और जाओ झाड़ू पोछा लेकर आओ और इस कमरे का कोना कोना ऐसे चमकाओ कि तुम दोनों की मनहूस शक्लें नजर आए। हम लेकिन जुल्फे काट दूंगी तेरी जो लंगा के घूमती है। भाग ले गया। तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा जल्दी करो अच्छे से जल्दी जल्दी। वाह, तुम दोनों ने एक चीज तो साबित कर दी कि निकम्मे से निकम्मे इंसान में सुधरने के चांसेस रहते। उस दिन तुम दोनों ने लड्डू बनाए, आज तुमने कमरा चमका दिया। इस तरह मेहनत करके तुम पूरा देश चमका सकते हो, पता है? स्वच्छ भारत अभियान। बिल्कुल। चलो उठ लो यहाँ से। कमीने कमरे में आए हैं तो कुछ तो गड़बड़ करके गए होंगे, लेकिन क्या? भाईजान, भाईजान आपको छुट्टी मिल गई? फिर मैं बहुत खुश हूं। मुझे लगा नहीं था कि आपको इतनी जल्दी छुट्टी मिल पाएगी। हैप्पी दिवाली। माफ करना, मैं जानता हूं कि मुझे आने में थोड़ी देर हुई। कोई बात नहीं, कम से कम आप आए तो। और वैसे भी दिवाली अपनों के साथ ही रोशन होती है। वैसे भाईजान मानना पड़ेगा, आपने आज आकर ना लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है। लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज तो अभी बाकी है। मैं आ तो गया हूं लेकिन मुझे किसी भी वक्त ड्यूटी पे जाना हो सकता है, इसलिए मैंने काजी साहब को बुला लिया है निकाह की तारीख फिक्स करने के लिए।
पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।